नमस्कार, लवली की रसोई में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रसोई में एक ऐसा नाश्ता बना रहे हैं जो कि 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही बिना किसी झंझट के और जल्दी बनने वाली डिश देखनी है तो आप मेरे चैनल लवली की रसोई पर एक बार विजिट अवश्य करें, और अगर आपको मेरी डिश पसंद आए तो आप मेरे चैनल लवली की रसोई को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 250 ग्राम सूजी ली हुई है। अब आप इस सूजी को एक बाउल में डाल दें, और फ्रेंड्स इसमें हम एक कप दही यानी कि लगभग 250 ग्राम दही डाल देंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डालकर आप इसका पेस्ट बना लें, जैसा कि हम इडली के लिए बनाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप दही थोड़ा खट्टा हो तो वही डालिए, क्योंकि दही खट्टा डालने से इस बैटर को हमें ज्यादा देर तक नहीं रखना पड़ेगा। आप इससे 10 मिनट बाद ही जो हम डिश बना रहे हैं उसको बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका घोल तैयार हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ेंगे। फ्रेंड्स, जब तक हम सूजी को रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बॉयल आलू लिए हैं। आलूओं को आप अच्छे से फोड़ लें। फ्रेंड्स, आप चाहें तो स्टफिंग प्रॉपर आलू की बना सकती हैं, या फिर आप चाहें तो इनमें थोड़ा सा सब्जी भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पर हमने पत्ता गोभी और गाजर को कद्दूकस करके लिया हुआ है। फ्रेंड्स, केवल आलू की जो स्टफिंग होती है वो भी अच्छी बनती है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा सब्जी मिला लेंगे तो हमारी स्टफिंग और भी हेल्दी बनेगी। थोड़ा सा हरी मिर्ची और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर बॉइल मटर ली हुई है। ये देखिए, हमने आलू और सब्जियां मटर सबको अच्छे से बारीक मैश कर दिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नमक डालेंगे, चाट मसाला, लाल मिर्ची और थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर भी डालेंगे, धनिया पाउडर डालकर अच्छे से आप इसे मैश कर लें। फ्रेंड्स, मसाले आप अपने अकॉर्डिंग हल्के या तेज जैसे भी चाहें कर सकते हैं। मसाले सारे अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच लेमन जूस यानी कि नींबू का रस डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसमें अमचूर पाउडर नहीं डाला है। तो फ्रेंड्स, लेमन जूस आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें, या फिर आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी स्टफिंग एकदम से तैयार है। अब हमने यहाँ पर एक इस प्रकार की कढ़ाई ली हुई है। आपके पास अगर कोई और बर्तन है तो आप वह ले लें, बट मेरे यहाँ पर जो सांचा है वो इस कढ़ाई में एकदम फिट बैठता है, तो मैंने ये कढ़ाई ली हुई है। कढ़ाई में हम 1 गिलास पानी डालकर पानी को गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो रहा है तब तक हम अपने पैन को तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने एक इस प्रकार का मोल्ड लिया हुआ है। अब आप इसे सबसे पहले घी से ग्रीस कर लें। ये देखिए, हमने मोल्ड को चारों तरफ से घी से ग्रीस कर लिया है। अब फ्रेंड्स, हमने जो सूजी घोल कर रखी थी, आप देखिए कि 10 से 15 मिनट बाद सूजी ने पानी और दही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें हमें दही या पानी कुछ भी डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये एकदम परफेक्ट बैटर है। अब हम इसमें 1 पाउच इनो डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें खाना सोडा भी डाल सकते हैं। इनो डालने के बाद आप इसके ऊपर 1-2 चम्मच पानी डाल दें, जिससे कि इनो बहुत अच्छे से इसमें मिल जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने थोड़ी सी राई भूंज के रखी हुई है, हम इसमें इस राई को भी ऐड कर देंगे।
सिर्फ राई आप चाहें तो डालें, अन्यथा नहीं। बट फ्रेंड राई डालने से ऊपर का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा। अब आप तुरंत ये बैटर, फ्रेंड्स पूरा बैटर हमें नहीं डालना है, पहले हम आधा बैटर ही इसमें डालेंगे। बैटर को आप अच्छे से फैला लें और हमने जो पानी गर्म करने रखा था उसमें आप इस मोल्ड को रख दें। फ्रेंड्स लगभग 5 मिनट के लिए ही हमें अभी यह रखना है, जब तक कि हमारा बैटर इसमें सेट हो जाए। इसको आप किसी से ढक दें। फ्रेंड्स मोल्ड पर रखे हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, तो अभी मैं थाली को उठाकर देखती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स बैटर एकदम से सेट हो चुका है। अब आप इस मोल्ड को बाहर निकालें। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी आप वो स्टफिंग इसके ऊपर हल्के हाथों से लगा दें। देखिए फ्रेंड्स हमने स्टफिंग पूरी इसके ऊपर लगा दी है। फ्रेंड्स जो मैंने स्टफिंग जितनी बनाई हुई थी 3 आलुओं की, है पूरी स्टफिंग इसके ऊपर लग चुकी है। अब हम जो बचा हुआ बैटर था वो इसके ऊपर फैला देंगे। फ्रेंड्स हमने ये पहले 5 मिनट ही रखा था, क्योंकि हमारे पास जो बाकी का बचा हुआ बैटर था उसको हम ज्यादा देर तक नहीं रख सकते थे, क्योंकि उसमें इनो पड़ी हुई थी और इनो डला हुआ बैटर आप बहुत अधिक देर तक नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए हमने पहले वो केवल 5 मिनट के लिए ही सेट करने रखा हुआ था। ये देखिए फ्रेंड्स सूजी को हमने प्रॉपर इसके ऊपर फैला दिया है। अब मैंने यहाँ पर ये फूड कलर लिया हुआ है। फ्रेंड्स फूड कलर एकदम से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ले लीजिए, अन्यथा आप इसे इसी प्रकार से कुक होने रख सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा लुक देने के लिए फूड कलर डाल दिया है। अब हमने इसे वापस से इसमें कुक होने रख दिया है। फ्रेंड्स लगभग 10 मिनट वापस से मोल्ड रखे हुए हो चुकी हैं। अब हम इसे खोलकर देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया खुलकर आया हुआ है। आई थिंक ये हो भी चुका है। ये देखिए आप हाथों से बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। अब हम इसमें स्टिक लगाकर देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स स्टिक एकदम से साफ निकल रही है। इसका मतलब कि हमारा जो नाश्ता है वो एकदम से कुक हो चुका है। अब आप गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। ये देखिए फ्रेंड्स ढोकला एकदम से ठंडा हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट ढोकला बनकर आया है। अब हम इसे चाकू की सहायता से हल्का हल्का साइडों से इस प्रकार कर लेंगे, जिससे कि है आसानी से निकल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स एकदम से कितना बढ़िया सॉफ्ट स्पंजी ढोकला बनकर आया है। और आप मोल्ड देख सकते हैं, बिल्कुल भी कहीं लगा नहीं है। अब हम इसे एक दूसरी प्लेट पर रखकर इस प्रकार सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे ढोकला एकदम से परफेक्टली बनकर तैयार है। आप इसे अपने मन चाहे पीसेज में कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है और 10 मिनट में बनकर तैयार होता है, क्योंकि लगभग हमने 5 मिनट पहले रखा था और 5 से 7 मिनट ही हमने इसे बाद में कुक करा है। तो मिनिमम आप मान सकते हैं कि 15 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स ढोकला बनकर आया है और हमने जो इसके अंदर स्टफिंग लगाई थी वो भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स तो अब हमारा ढोकला एकदम से रेडी है, आप इसे सर्व कर सकती हैं। फ्रेंड्स इसको सर्व करते समय आप
इसके ऊपर थोड़ा सा चटनी। यहाँ पर मेरे पास फ्रेंड्स गरी की चटनी नहीं है, अगर आपके पास गरी की चटनी है तो आप वो भी ले सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हरे धनिए की चटनी ली हुई है। थोड़ा सा सॉस और थोड़ा सा हम इसके ऊपर बारीक वाले सेब डालेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ढोकला सैंडविच की प्लेट एकदम से सर्विंग के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल लवली की रसोई को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।